बीजेपी के संकल्प यात्रा का आज अंतिम दिन है, यानी कि आज हरमू मैदान में इस संकल्प यात्रा का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। रांची जिले के 6 विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन इसमें एक अलग तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो युवा नेत्री है वो अपने माथे पर चंदन का तिलक तो जरूर लगाई है लेकिन राम लिखा हुआ है। क्या नाम है आपका? सुप्रिया दुबे, हटिया मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष। हटिया मंडल से आए, ये नया एक देख रहे हैं, चंदन टीका के साथ राम लिखा है। अभी जस्ट पंडित जी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने सबको टीका लगाया राम के नाम पे, तो हम लोगों ने लगा लिया। और राम लगाना किसी भी कार्यक्रम, किसी भी कोई भी काम में राम का नाम लिया जाता है। और यह जनसभा हो रहा है हमारा, हमारी देश हमारी माटी का कार्यक्रम जो है, जिसको हम लोगों ने इतने जनसभा, इतनी भीड़, जो जन सैलाब आया हुआ है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु लगा लिया। आंगनबाड़ी सेविका को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, इसलिए विशेष राम पर ऐसा कुछ नहीं है। ये एक कॉन्सिडेंस हुआ है कि अभी पंडित जी आए हुए थे और हम लोगों ने लगा लिया कि अच्छी बात है। इसी वजह से जो जनसभा भी चल रहा है, हम लोगों ने भी राम लगा लिया है। राम का नाम तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो बस इसी वजह से। इतने बड़े भक्त हैं राम के, बहुत ज्यादा। अब हिंदुत्व में अगर राम भक्त नहीं आप तो किसके भक्त हैं? आज संकल्प यात्रा का समापन है, क्या संकल्प लेंगे एक युवा के तौर पर? यही संकल्प लेंगे कि हमारे इसका जो मेन मुद्दा है, मेरी देश मेरी माटी, ये उन वीर जवानों को समर्पित है जो हमारे हर कस्बों, हमारे हर गली, हमारे मोहल्ला से एक एक वीर जो निकले थे, उनके नाम से ही हर गली हर मोहल्ले से हम लोगों ने माटी इकट्ठा किया था। और यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये संकल्प यात्रा निकाला गया है, ये दिखाने के लिए कि हमारे दिल में, हमारे मन में अभी भी हमारी माटी को लेके हम कितने अभिभूत हुए हैं और हमारे वीर के लिए हमारा जो अभी जो आभार है वो कैसे व्यक्त करना है, वो इसी द्वारा हम लोगों ने जनसभा यहाँ पे जो बुलाया गया है, हमारे मेरी देश मेरी माटी को लेकर ही किया गया है। अभी आप देख रहे हैं स्टेज में सारी माटी भरी हुई है, सब कलश में, ये कलश जाएंगे दिल्ली, जिससे ये आपको, इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हर वो इंसान अपने घर से वो माटी देने को खुद इच्छुक हुआ है, बाहर आकर हमारे देश के प्रति समर्पित अपनी श्रद्धा को उन्होंने इस माटी के द्वारा। लेकिन पूरे अगर संकल्प यात्रा को देखें तो सिर्फ और सिर्फ बाबूलाल मरांडी जी हेमंत सरकार को निशाने पर रखे, वो कहते हैं कि संकल्प लेते हैं हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, तो क्या आप लोग भी संकल्प यही ले रहे हैं? बाबूलाल मरांडी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, जो आप बोल रहे, ये बयान आया है झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जी ने झारखंड के लिए क्या किया, उन्होंने तो अपने वीर को, हमारे झारखंड से जितने वीर हुए, जैसे बिरसा मुंडा जिसे लेके, करिया मुंडा जिसे, जितने वीर यहाँ हुए हैं उनके, उन्होंने उनके परिवार के लिए क्या किया, तो ये आप देखिए कि हम लोगों ने जो माटी का जो ये लेकर हमारे वीरों को जो श्रद्धांजलि दिया है, इससे यह प्रतीत होता है कि हेमंत सरकार के इस राज्य में हमारे वीरों के लिए भी कुछ नहीं किया गया, तो आम जनता को बहुत दूर की बात है। एक युवा के तौर पर क्या शपथ लेंगे? संकल्प यात्रा है, क्या संकल्प ले रहे हैं? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सबको यहाँ पे संकल्प लेने का मौका मिला है। और कहीं ना कहीं युवाओं के साथ वर्तमान की जो सरकार है बहुत ही भेदभाव कर रही है, हर तरह से देख सकते हैं कि ना रोजगार है, ना ही उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा, ना किसी चीज का कोई प्रायोरिटी नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे संकल्प लेंगे कि आने वाले समय में सारे युवा मिलकर और इस बार अपने विधानसभा और लोकसभा में अपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए और आने वाले समय में जितने भी झारखंड के युवा हैं उन्हें सही तरीके से, पूर्ण अच्छे तरीके से उन्हें रोजगार मिले और उन्हें अच्छे से आगे बढ़ने का मौका मिले, इसके लिए हम लोग आज संकल्प यात्रा कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग यही संकल्प लेना। क्या उम्मीद थी सरकार से जो पूरा नहीं हुआ? इनका शुरू से ही इनका डिवाइड एंड रूल फॉलो हुआ है, आज तक इन्होंने एक भी, इन्होंने जैसे बताया कि चलिए आप अगर आप एजुकेटेड हैं लेकिन आपको नौकरी भाई कुछ लक से नहीं हो पा रहा है तो कोई नहीं, लेकिन आपको आपको बेरोजगारी भत्ता मिले। लेकिन आज हम लोग देखे हैं कि आज लमसम 4 साल होने को है लेकिन आज तक एक पर्टिकुलर कहीं आप नहीं देख सकते हैं कि सही ढंग से किसी को, एक भी लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला है। तो ये सबसे बड़ी एक हास्य की बात है वर्तमान सरकार की, जिन्होंने युवाओं के साथ, युवाओं को पैर पे मारने का काम किया है, ठगने का काम किया है और कहीं ना कहीं युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। संकल्प लेकर जाएंगे कि आगे भी हेमंत सरकार को बदलना है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए युवाओं का संकल्प यही है जो बीजेपी के कार्यकर्ता है,
वो ये संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे कि आने वाले दिनों में यहाँ की सरकार जो है वर्तमान में हेमंत सरकार, उसे बदलना है। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।